एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है सैटरडे और अभी बज रहे हैं शाम के 4 और यहाँ का मौसम देख सकते हैं गाजियाबाद का, काफ़ी ज़्यादा धूप है। ठंडा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, बस कभी कभी सुबह शाम हल्का फुल्का लगता है, बाकी मौसम काफ़ी अच्छा है। और अभी आशी और आशी के पापा गए हैं नीचे। हेलो, तो वो लोग जा रहे हैं दुकान में कुछ सामान लेने के लिए। आज सैटरडे और हमारा अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया कि हम कहाँ घूमने जाएंगे, तो देखते हैं कहाँ जाएंगे, शायद ना भी जाएं। सब लाडो मजा आ रहा है घूम के बिट्टू, बाप बेटी घूम करके आ गए, काफी ज्यादा मजा आता है आशी को घूमने में, है ना बेटा? मजा आया ना? इसके चेहरे पे स्माइल से पता चल जाएगा कि ये घूम के आई है, कितना मजा आया इसको। क्या लाए हैं? और नूडल्स नहीं था लाडो बेबी। सो गाइज, यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे पति देव की डिमांड पे मैं बनाने जा रही हूँ एग रोल। तो मेरे पास रोटी बचा हुआ था तो आज हम उसी का रोल बनाएंगे, अंडा को फोड़ करके तवा पे डाल लेंगे, रोटी डाल के, प्याज वगैरह डाल के, सॉस नूडल्स डाल के, और इसी तरह हम बनाएंगे। बेटी रानी जग गई हो, जग गई हो, जग गई हो ना लाडो, लाडो जग गई है। मैं और लाडो सो रहे थे, अब किचन से कुछ खुशबू आ रही है, चलिए किचन में देखते हैं क्या बन रहा है। बढ़िया सी खुशबू आ रही है, क्या बना बता, रुको क्या बनाता है? बना था बच्चा रोटी से एग रोल। एग रोल, अरे वाह, खाई ना वाह, खाई खाई। तो गाइस यहां पे, तो गाइस देखिए, मैं हमने कैसे बनाएंगे, हम ये बना बता दिया, हमने क्या बना बता दिया, रोटी से बच्चा रोटी से एग रोल। किसको और किसको किसको भोजपुरी समझ में आती है और किसको किसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज हम बना रहे हैं बची हुई रोटी से एग रोल, हमने ये बना बता दीजिए, और बहुत ही मस्त टेस्टी खुशबू भी आ रही है, अच्छा बढ़िया खुशबू आ होता है। बन के रेडी हो गई, अब ये खाई जाए, थोड़ी देर में खाई जाएगी, अब मेरी लाडू रानी ठंडा हो जाए, लाडू रानी भी जगी हुई है। तो हम लोग अब साथ में किचन में आ गए हैं, तो यहाँ पे देखिए रोल बनके एकदम देख सकते हैं, बिल्कुल मस्त, एकदम ऑसम लग रहा है। प्याज है, रोटी है, एग है, चाउमीन है, प्याज है, सॉस है, सेजवान सॉस और टमाटो केचप और क्या कौन सा होता है ये ग्रीन चिली सॉस, मेरे को नाम, मैं नाम भूल जाती हूँ गाइस, कोई बात नहीं, खाने से मतलब है, नाम से क्या। तो फिलहाल मेरे पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो मैं टिशू में ही कर दे रही हूँ, तो ये घर का खाना है इसलिए ज़्यादा हमें काम शाम नहीं करना है, इतना नॉलेज हो जाएगा तो हम ठेला नहीं लगाएंगे, अपना काट लगा तो शुरू हो जाएगा हमारा, तो इसलिए कम ज्ञान है तो ज़्यादा अच्छा है। तो देख सकते हैं हमारा एक रोल रेडी हो गया है और ये इसको दबा के रखा है इसलिए बेचारा ये अच्छे से रोल नहीं हो पा रहा था, अब ये भी रोल हो गया अच्छे से। और यहाँ पे मैं चटनी है जो कि आधा प्लेट में डाली और आधा प्लेट में बचा हुआ है, और भर लेंगे। तो फिलहाल ये एग जो है ये मेरी बेटी के लिए है, तो देख सकते हैं गाइस, कमेंट में बताइएगा इसका रेसिपी, यूट्यूब पे शेयर जरूर करेंगे, फुल वीडियो शेयर किया हुआ है तो आप लोग ज़रूर देखें। और ये हम खाएंगे और यहाँ पर भी लाडू को एक खिलाएंगे, लो बेटा ऑमलेट खा लो, ऑमलेट कैसा लगा बेटू? यहाँ पर दीदी को टेस्ट कराते हैं, बहुत ऑसम है, मजा आ गया, मस्त है, मजा आ गया। तो सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय, इसको फिनिश करने के बाद। चलो आज भाई मम्मा रेडी करेंगी, चलो लाडो 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 कुछ कहिए बेटू, कुछ कहिए बेटू, बेटू कुछ कहिए, बेटू कुछ कहिए भाई। और लाडो ऑमलेट खा रही हैं, चलिए स्टार्ट कीजिए। सो गाइस यहाँ पे मेरा बन के एग रोल जो कि बची हुई रोटी से मैंने बनाया है, तो यहाँ बन के बिल्कुल रेडी है, तो चलिए पति देव को टेस्ट कराते हैं। और इसे मैंने नूडल्स भी बनाए, अरे वाह,
मजा आ गया देख के। एक नंबर रियल वाला, रियल वाला गारंटी। तो ऐसे ऐसे टिप्स अपनाओ और अपने पति को खुश किया करो। मिला गया। सो गाइस मैंने बनाया था बची हुई रोटी से, तो पति देव इतने खुश हुए। तो बताइए मैदा से अच्छा है क्या टका है? रोटी से बना हुआ है। हाँ जी रोटी से बना हुआ है, पता नहीं चला यार, मस्त लग रहा है। मस्त एकदम मौसम वाला। तो खाइए, मिलते थोड़ी देर बाद। सो गाइस हम खा पी करके आ गए थे छत पे कपड़ा लेने के लिए, लेकिन छत का मौसम इतना अच्छा था कि मन किया कि बस थोड़ा देर घूम फिर ले छत पे ही, क्योंकि कहीं बाहर जाने का मन नहीं किया। तो ये है मेरी छत से बाहर का नज़ारा। गाइस यहाँ पे काफ़ी मौसम आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम स्वेटर भी नहीं पहने हैं, ठंडा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज कपड़ा उठाने आए थे तो सब हम लोग घूम रहे छत पे। तो यहाँ पे मेरी वाइफ को आज बाहर आउट नाइट पे जाना था, लेकिन उनको जाने का मन है, एक इनका मन कर रहा है जाए, 80% जाने का मन है, 20% जाने का मन नहीं है, क्योंकि आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको वेज खाना है नॉन वेज खाना है। नॉन वेज के लिए एक दवाई, वेज के लिए दो दवाई। मैंने फुल ऑप्शन दे दिया है कि बाहर चलिए आपको बिरयानी चिकन कुछ भी खिला सकते हैं, जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा। दाल भात चोखा पे अटकी हुई है, जा भी नहीं रही दाल भात चोखा बनाने। तो गाइस उनको कमेंट करके बताइए कि जाना है कि नहीं जाना है। आप लोग रहते तो क्या करते हैं? आपको ऑफर मिलते तो बताइए, किकरा साथ रहोगे? देवर साथ या पति साथ? हम पति साथ रहते हैं, देवर के साथ कायरम करके इकट्ठा। गजब बेइज्जती है, गजब बेइज्जती। सो गाइस वो लोग मुझे फोर्स कर रहे थे कि डिनर पे ले चलेंगे बाहर, तो मैं बोली नहीं मुझे सिंपल खाना खाना है आज। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में दाल चावल बनाने के लिए। दाल चावल चोखा चटनी पकौड़ी वगैरह सारा कुछ, ब्रेड पकौड़ा जो बहुत होता है वो बनाने के लिए। तो आज भी रो रही थी बीच बीच में, तो मैं उसे उसके पापा किचन में लेकर के आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे चोखा भून रही थी बाकी दाल में तड़का लगाने के बाद चटनी वगैरह। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ब्रेड पकौड़ा बना रही थी। उसके बाद देख सकते हैं फटाफट से एकदम, उसके बाद आज क्योंकि आज भी उधर रो रही थी, फटाफट से मैं इधर बना ली। उसके बाद फटाफट से सारा एक सब खाना निकाल लिया। हमारा हेड डिनर क्या संदीप खा रहे, कैसा लगा? नहीं अच्छा लगा ना? ज्यादा और यहाँ पतिदेव का खाना क्या? बिना रस वाला रसगुल्ला? इतना टेस्ट लगा कि दो बार चावल खा लिए। झूठ, चावल एक बार खाए। खाने का मतलब वाओ। सो गाइस, सो गाइस चलिए वो करते हैं डिनर और आज का व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। और भाभी का हाथ में जादू है, खाना इतना टेस्टी बनाती है पूछिए मत। हाँ तो जो लोग बोलते हैं खाना अच्छा नहीं बनाती है कृपया ध्यान दें। बस कभी आओ हमारे घर खाना खाने। हां अच्छा बेटा। सो गाइस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मेरी लाडू रानी रो रही हैं सोने के लिए, तो अब इनको सुलाते हैं और व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। पे मिलते हैं दूसरे वीडियो नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पति देव से पूछते हैं कैसा बनाया आज का खाना। बाय लाडू, बाय, गुड नाइट। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय बाय। क्या वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और लाइक कर दो अदरवाइज। और ये आशी का खेलने वाला खिलौना लाइटर है, लाइटर तो ज्यादा फोकस ना करें इस पे।